अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आप हर रोज YouTube पर ऐसी वीडियोस देखते आ रहे हैं जिनमें आपको दुनिया की ताकतवर आर्मी के बारे में बताया जाता है, लेकिन आज जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो उन सब से मुख्तलिफ है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दुनिया की डरपोक तरीन आर्मी के बारे में सबूत के साथ बताएंगे। दोस्तों, इसे परखने का मेयार हम आपको पहले ही वाज़ेह कर देते हैं, जो कि बहुत सादा है। दुनिया की डरपोक आर्मी वो आर्मीज के लोग हैं जिनके पास हर जदीद हथियार भी मौजूद हो, उनका बजट हजारों बिलियन डॉलर में हो और वो मुकम्मल तौर पर हथियारों पर भरोसा करती हैं। आम आवाम पर जुल्म जबकि किसी और आर्मी से सामना हो जाए तो छुट्टी की दरख्वास्तें जमा होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे इस पैमाने पर दुनिया के जो 5 अफवाज आती हैं उन्हें देखने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पाकिस्तान को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के बटन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को ऑन कीजिए, ताकि आप और हम सब हर में मिलते रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पर इसराइल जैसी मुमलिकत आती है। दोस्तों, दुनिया का सबसे ज्यादा जदीद तरीन असला इसराइल की फौज के पास मौजूद है और अमेरिका जैसी सुपर पावर ने भी तमाम के तमाम असला इसराइल की फौज के लिए खोल रखा है। अमेरिका जो भी असला बनाता है वो अपनी फौज और एयरफोर्स को देने से पहले इसराइल को देता है। इस फौज की तादाद कम है लेकिन असला और बजट के लिहाज से ये अमेरिका को भी टक्कर देती है, लेकिन जब बहादुरी की बात आती है तो इसराइल फौज में बहादुरी का बहुत ज्यादा फुकदान है। ये फौज इतनी डरपोक फौज है कि ये सिर्फ और सिर्फ फलस्तीन में आम आवाम पर बमबारी करती है और दूर खड़े होकर तमाशा करती है। अमेरिका के दिए हुए मिसाइलों से फलस्तीन को तबाह करती रहती है, लेकिन एक बार जब फलस्तीन की जंगजू अफवाज इसराइल की सरहद अबूर करके अंदर घुस गयी तो इसराइली फौज के जवान बच्चों की तरह रोने लगे, यहाँ तक के इसराइली फौज लोगों के घरों में छुप गयी और खवातीन को घरों से बाहर दरवाजे पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि मुस्लिम आर्मी बच्चों और खवातीन पर हाथ नहीं उठाती। दोस्तों, जब इसराइल अरब जंग में इसराइल ने अमेरिका के दिए हुए असले से अरब लोगों पर बमबारी की तो इसराइली जश्न मनाने लगे। फिर जब पाकिस्तानी पायलट अब्दुल सत्तार अलवी और सैफ अल आजम सिर्फ 2 पाकिस्तानी जाबाजों ने अरबों के पुराने त्यारों से इसराइल के जदीद मेराज और F-16 को जमीन के साथ लगा दिया। इस मार्के में पाकिस्तानी पायलट ने 10 से ज्यादा इसराइली जहाज गिरा कर इसराइली जश्न को मातम में तब्दील कर दिया था। नंबर 4, दोस्तों, हमारे पैमाने पर 4थे नंबर पर अमेरिका की आर्मी आती है। दोस्तों, दुनिया के हर असले की जदीद इजाद अमेरिका से होती है, लेकिन फिर भी इराक और अफगानिस्तान की पसपाई आपने देख ली है। अमेरिका इस वक्त 20 एयरक्राफ्ट कैरियर का मालिक है, जबकि वो किसी मुल्क को धमकी देता है तो उसे तबाह करने के लिए अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज देता है। इराक को तबाह करने के लिए अमेरिकन एयरक्राफ्ट ने एक दिन में 60 मिसाइल दाग कर इराक पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। अफगानिस्तान पर अब तक 5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का हथियार इस्तेमाल हो चुका है, फिर भी रिजल्ट सिफर है। दोस्तों, क्योंकि बहादुरी का फुकदान है, अमेरिका के हर सिपाही को लाखों डॉलर का लालच देकर अफगानिस्तान भेजा जाता है, लेकिन फिर उससे भी ज्यादा अमेरिका के ताबूत वापस आते हैं। दोस्तों, और अब अफगानिस्तान से भागने का रास्ता अमेरिका को नहीं मिल रहा, जो की पाकिस्तान की मिन्नतें करने पर तुला हुआ है। दोस्तों, अमेरिकन फौजियों के दिल इतने कमजोर है की वो अफगानिस्तान में आकर रोते हैं, अगर कोई जिंदा वापस चला जाता है तो वहाँ पर जाकर वो जंग की मुखालफत करता नजर आता है। दोस्तों, सोमालिया में जब अमेरिकन आर्मी जंगजुओं के दरमियान इस तरह फंस गई कि उसे खुद अमेरिका न निकाल सका, फिर वहाँ पर मौजूद अक्वामे मुतहिदा के अमन फोर्स में पाकिस्तानी फौज का एक दस्ता मौजूद था, जिसमें पाकिस्तानी अफवाज के अफसर और बेहतरीन कमांडर्स भी मौजूद थे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे थे। अमेरिकन आर्मी जब उन जंगजुओं के दरमियान फंस गई तो अमेरिकन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी से मदद मांगी कि वो उनके जवानों को दुश्मनों के आगोश से निकाल दे। फिर पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने दुश्मन के अंदर घुसकर अमेरिकन आर्मी के लोगों को बचा लिया। अमेरिका पाकिस्तानी जवानों की बहादुरी से बहुत मुतासर हुए और उन्होंने ब्लैक हॉक नामी एक फिल्म भी बनाई, जिसमें वो पाकिस्तानी जवानों का कारनामा भी दिखाते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है सोमालिया। दोस्तों, सोमालिया की फौज इतनी कमजोर है और हो चुकी है कि सोमालिया में मौजूद जंगजू ग्रुपों को रोकने में इस फौज की तादाद सिर्फ 23,000 है। जंगजू इस मुल्क में इस तरह घूमते हैं कि ऐसा लगता है कि जंगजू इस मुल्क के मालिक हैं और इस मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं और सोमालिया सिर्फ देख रहा है। सोमालिया की मदद के लिए यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तानी और दूसरे मुल्क की अफवाज को वहाँ पर तैनात कर रखा है। अक्वामे मुतहिदा की इस अमन फौज से वहाँ पर हालात कुछ बेहतर हुए हैं और आइंदा भी बेहतरी की उम्मीद है।
है। यूएई ने भी काफी माली मदद सोमालियों को दी है ताकि सोमालिया फौज की तादाद में इजाफा करे और अपने मुल्क की मनफी ज़हनियत रखने वाले लोगों से अपने मुल्क को आज़ाद करवाए। दोस्तों नंबर दो पर आती है अफगान आर्मी। अफगान आर्मी सिर्फ नाम ही की आर्मी है। इस आर्मी में कोई अफगानी पठान आपको नहीं मिलेगा। इस आर्मी में तमाम अफगानिस्तान में आए हुए मुहाजर हैं और ये सारे बाहर से आए हुए हैं जो अफगानियों से पहले ही लड़ते थे। इन्हें शमाली इतिहाद वाले लोग कहा जाता है। दोस्तों इस आर्मी को अमेरिका ने अपने मुफाद की तकमील के लिए खड़ा किया ताकि तमाम फायदे उठाए जा सके और शमाली इतिहाद वाले लोग तो पहले ही से अफगानियों के मुखालिफ है। ये मौका उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया और इस आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। लेकिन इस आर्मी को अफगान की फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने इतना मारा है कि इसका बुरा हाल हो चुका है। पहले तो अमेरिका इस आर्मी को हर तरह का जदीद असला भी देता रहा है। जब उसने देखा ये तो किसी काम की नहीं तो उसने इसका दाना पानी महदूद कर दिया है। अफगान हुकूमत इस आर्मी को कंट्रोल करती है और अब जब अमेरिका जाने की बात करता है तो उस आर्मी के सिपा सलार सबसे पहले परेशान होते हैं और अगर अमेरिका चला गया तो इन बेचारों को अफगान फ्रीडम फाइटर से कौन बचा सकेगा जो उन्हें पहले से ही सफाई हस्ती से खत्म कर देने के लिए तुले हुए हैं। दोस्तों पहले नंबर पर आता है इंडिया। दोस्तों दुनिया की सबसे ज्यादा डरने वाली फौज इंडियन आर्मी आखिर क्यों है? इसकी वजूहत आप देखते रहिए और समझते रहिए। दोस्तों इस आर्मी का बजट 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और किसी तरह ये मुआशी कमजोरी का शिकार भी नहीं है। दोस्तों जब पाकिस्तान की बहादुर फौज ने इंडिया के दो जहाज गिराए और उन्हें गाजर मूली की तरह काट दिया तो इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यह कहा कि अगर हमारे पास राफेल होता, अगर हमारे पास अच्छे पायलट होते, अगर हमारे पास नासा होता, और वो ये अल्फाज भी कहने वाले थे और वो सोच रहे थे कि हमारे पास पाकिस्तान की तरह की बहादुर फौज होती और उसका सिपा सलार बहादुर लीडर होता और ऐसी एयरफोर्स होती तो हम पाकिस्तान को भी सबक सिखा देते। दोस्तों इससे बड़ी कमजोरी क्या होगी कि मुल्क का वजीर आजम अपनी हार की वजह एक दूसरे मुल्क में तैयार होने वाले राफेल जहाज को करार दे रहा है। इंडियन आर्मी दुनिया की वाहिद आर्मी है जिस पर सबसे ज्यादा डिप्रेशन माना जाता है और खुदकुशी का तनासब दुनिया की बकिया तमाम आर्मी से ज्यादा है। जब पाकिस्तान के साथ इंडिया की फरवरी 2019 में झड़प हुई तो एक दिन में 3 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन इंडियन आर्मी के अफसरों के पास पहुंच गई। वो इतने परेशान हो गए कि क्या करें। ये वो वाहिद आर्मी है जिसके स्कैंडल सोशल मीडिया पर पोस्ट होते रहते हैं। तेज बहादुर खाने की फरियाद लेकर आता है, दूसरा जात पात का मसला फेसबुक पर अपलोड करता है और तीसरा अपने अफसर की नासाफिया बयान करता है। दोस्तों ये आर्मी सिर्फ और सिर्फ मजलूम कश्मीरों पर जुल्म करने के हवाले से जानी जाती है। दोस्तों हमारे मयार के मुताबिक ये रैंकिंग आपको कैसी लगी? दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दुनिया की जो 5 कमजोर और आपके हवाले से डरपोक आर्मी है आप उनकी रैंकिंग इस कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। आपके कमेंट्स हम लाजमी पढ़ेंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज़।